हेलो नमस्कार, मैं सचिन लेट्स टेक में आपका स्वागत करता हूँ। प्रश्न दिया हुआ है कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 5/4 है, तो साइन एक्स का मान क्या होगा। सॉल्व लिखते हैं अपन, तो यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 5/4। तो यहाँ कॉस को क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 5/4। यहाँ क्या होगा, यहाँ अपन यहाँ क्या करेंगे, अपन माइनस को साइड, मतलब जो एक है एक को उस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, साइन एक साइन कॉमन ले लेते हैं, एक साइन क्या कर लेते हैं, एक साइन अपन कॉमन ले लेते हैं, नहीं ले जाते। ये क्या हो जाता है, ये हो सकता है कि इस सब पक्षांतर को उस साइड ले जाते हैं, तो जो माइनस वाला है प्लस, ये माइनस वाला है तो ये प्लस वाला हो जाएगा, ये माइनस वाला ये प्लस वाला है, ये क्या है, ये प्लस वाला है तो ये माइनस वाला हो जाएगा साइन एक्स, और ये घट जाएगा, ये क्या कैसे घटेगा, 5/4 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ये क्या कौन सा सूत्र हो सकता है, ये स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। यदि इसको अपन क्या लिख देंगे, यदि इसको लिख देंगे अपन एक क्या होता है, 2 × 1/2 गुणित साइन एक्स, तो 2 से 2 कट जाएगा तो साइन ही एक्स बचेगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/4। तो ये सूत्र बन जाता है, कौन सा सूत्र बन जाता है, साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो साइन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1/2 है। तो ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बिल्कुल उसी का सूत्र लगाया गया कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन ये माइनस वाला है तो यहाँ माइनस कर दिया गया है ए प्लस बी, यही वाला सूत्र लगाया गया है होल स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/2, माइनस है इस साइड जाएगा ना, प्लस हो जाएगा, ठीक है। साइन एक्स का मान हो जाएगा 1/2।